दोस्तों अगर एक साइड आप लोगों के नॉर्मल क्वालिटी के पपीज हो और एक साइड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी के, तो आप लोग किसे परचेज करना चाहोगे? वैसे काफी लोग ये भी सोचे होंगे कि भाई अगर हम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी के पपीज को परचेज करेंगे तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा पेमेंट करनी होगी, जबकि हमारा इतना बजट भी नहीं है, तो हम लोग नॉर्मल क्वालिटी में काम चला लेंगे। लेकिन अगर मैं आप लोगों को कहूं कि नॉर्मल क्वालिटी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी के पपीज आप लोगों को सेम प्राइस में मिल रहे हैं, तो आप लोगों का रिएक्शन क्या होगा? डेफिनेटली आप लोग शो क्वालिटी के पपीज की तरफ ही जाओगे। तो आज की वीडियो पे आप लोगों के लिए कुछ ऐसे ही होने वाले हैं, बिकॉज आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी के अमेरिकन बुली के बारे में, जिस प्राइस में आप लोगों को नॉर्मल क्वालिटी के पपीज मिलते हैं उसी प्राइस में आप लोगों को ये अमेरिकन बुली पपीज मिल जाएंगे। एंड पपीज जो है ये इम्पोर्ट लाइन है, जिसके बारे में मैं आप लोगों को आगे वीडियो में बताऊंगा। बट उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो पपीज है ये पॉकेट साइज में, जो कि एक कॉम्पैक्ट साइज होता है, जिन्हें आप लोग कहीं पर भी काफी आसानी से रख सकते हो। अगर आप लोगों के पास 2 BHK फ्लैट्स भी है तो भी ये वहाँ पर कम्फर्टेबली रह सकते हैं। तो गाइस पपीज को देखने के बाद आप लोगों को पता लग ही गया होगा कि पपीज बहुत ही अच्छी क्वालिटी में, काफी एक्टिव एंड काफी हैवी हेड में। एंड दोस्तों अगर आप लोग किसी डॉग ब्रीड को पसंद करते हो और आप लोगों को वो कम प्राइस में चाहिए, तो भाई आप लोगों के पास एक ही ऑप्शन है, वो है इस चैनल को सब्सक्राइब करके उस डॉग ब्रीड को परचेज करने का, क्योंकि अपने इस चैनल पर आप लोगों को बहुत ही कम प्राइस में पपीज मिल जाते हैं और वो भी काफी अच्छी क्वालिटी के। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर ऑल पर कर ले, ताकि आप लोगों को मेरी सभी वीडियोस के अपडेट्स मिलती रहे। तो फ्रेंड्स इन पपीज की ब्यूटी आप लोगों को इनके फेस से दिख रही होगी, पपीज बिल्कुल पंच फेस में हैं और फेस पर काफी अच्छे रिंकल्स भी। और वैसे अमेरिकन बुली दिखने में काफी डेंजरस लगते हैं और कुछ लोग इनके ईयर्स को भी क्रॉप करा देते हैं, जिसके बाद ये और भी अट्रैक्टिव लगते हैं। बट काफी लोग इनके ईयर्स को क्रॉप नहीं कराना चाहते, क्योंकि भाई बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि डॉग्स के किसी भी पार्ट को कट कराना सही नहीं होता, और ये बिल्कुल सही सोच है। सो गाइस अब टाइम है इन पपीज के पेरेंट्स के बारे में बात करने का। तो ये देखिए गाइस, ये जो आप लोग देख रहे हैं ये है इन पपीज के फादर, जो कि एक्सीलेंट क्वालिटी में है और ये डॉलर के डायरेक्ट सन है। और डॉलर के बारे में तो शायद आप लोग जानते ही होंगे, जो कि इम्पोर्ट है। और ये जो आप लोग देख रहे हैं ये है इनकी मैटिंग की पिक। बाकी प्लीज पपीज को परचेज करने से पहले इनके पेरेंट्स के बारे में अच्छे से कंफर्म जरूर कर लें। तो गाइस अगर आप लोग फर्स्ट टाइम ओनर्स और आप लोगों को एक फैमिली डॉग ब्रीड चाहिए, तो डोंट वरी यार, आप लोग अमेरिकन बुली के लिए जा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे फैमिली डॉग्स होते हैं और फर्स्ट टाइम ओनर्स के लिए भी काफी अच्छी डॉग ब्रीड है, जिन्हें आप लोग इजीली हैंडल कर सकते हो और काफी अच्छे से सोशलाइज और ट्रेंड भी। तो ये तो कुछ फैक्ट्स हुए इस ब्रीड के बारे में। तो अब बात करते हैं इनकी बाकी की इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स अगर इन एक्सीलेंट क्वालिटी के पपीज की एज के बारे में बात करें, तो भाई ये 30 डेज के हो चुके हैं और इनकी जो लोकेशन है वो है बेरोड बागपत उत्तर प्रदेश से। और डिलीवरी को लेकर मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस तो यही रहती है कि आप लोग डायरेक्ट ओनर को विजिट करके ही पपीज को परचेज करें, ताकि आप लोग एक बेस्ट पपी को चूज करके ला सकें। और सेकंड जो ऑप्शन है वो भी आप लोगों के पास अवेलेबल है, जो है ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी का। जी गाइस ओनर आप लोगों को डिलीवरी प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन एक्स्ट्रा चार्ज पर। एंड फाइनली अगर पपीज के प्राइस के बारे में बात करें, तो पपीज तो यार सुपर क्वालिटी में। एंड ओनर जो इनके प्राइस की डिमांड की है वो मेल की 13,000 पीस 13,000 रुपए, एंड फीमेल की जस्ट 11,000 पीस यानी सिर्फ 11,000 रुपए। एंड प्राइस जो है ये नेगोशिएबल है, तो आप लोग बार्गेनिंग करके और भी प्राइस कम करा सकते हो। तो अगर वीडियो आप लोगों को जरा सी पसंद है तो फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलता हूं आप लोगों से करने वाले इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो टेक केयर एंड बाय बाय।